हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन और कोर्स से रिलेटेड कुछ अपडेट की, जो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है आपकी, जो एजुकेशन सेक्टर में या इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं लॉ से रिलेटेड, LLB से रिलेटेड फुल डिटेल। फुल नेम इसका है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, और ये काउंसिलिंग कोर्सेज है, ये BCA के अंडर आता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जी, तो जिससे रजिस्टर्ड रहता है। उसके बाद आपको लाइसेंस लेना रहता है प्रैक्टिस के लिए जी। तो स्टार्ट करते हैं, फुल नेम इसका बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ है, 3 साल का कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन। मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% है जनरल वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 45% मांगा गया है। एडमिशन प्रोसेस कैसे है, डायरेक्ट और एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड रहता है जी। तो एवरेज फीस की बात करें तो फीस इसमें है 45,000 से लेकर 1.5 लाख तक फीस यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। कोर्स की बात करें तो ये UG प्रोग्राम कोर्सेज हैं। मोड की बात करते हैं तो ये सेमेस्टरली और ईयरली वाइज रहता है, कि सेमेस्टरली बेस पर भी एग्ज़ाम रहता है और ईयरली वाइज भी। स्ट्रीम की बात करें तो इसमें ये रिलेटेड करता है लॉ डिपार्टमेंट से जी हाँ, तो ये लॉ डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, और ये था डिटेल LLB से रिलेटेड। और इसमें स्पेशलाइजेशन भी रहती है कुछ यूनिवर्सिटियों में, कुछ में जनरल में रहता है, कुछ में जैसे क्रिमिनल, साइबर सिक्योरिटी, इन तरीके से भी आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं जी। तो ये थी बेसिक डिटेल LLB से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ या आप चाहते हो इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।